हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने रविवार को अपने जन आशीर्वाद अभियान के तहत बल्ह और बजूरी पंचायत में नुक्कड़ सभाएं की। जनता से मिल रही भरपूर आशीर्वाद को लेकर उन्होंने कहा कि जनता का यही उत्साह उन्हें ताकत देता है और हमीरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। वहीं प्रचार अभियान के दौरान आशीष शर्मा ने सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही मित्रों की सरकार आगामी 3 उपचुनावों में अपनी पराजय को देखते हुए अराजकता पर उतर गई है। सुक्खू सरकार धनबल के प्रयोग से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। प्रत्याशी आशीष शर्मा ने मौजूदा सरकार को ठगों की सरकार बताते हुए कहा कि इस सरकार ने महिलाओं, युवाओं और गरीब तबके को ठगा है। चाहे अपनी जेब से किया लेकिन काम के लिए कभी बना नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूं कि और भगवान का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की। आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता भी ग्रहण की है और भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मिला। इसके लिए बाकी समझना आपने है। मैंने निस्वार्थ भाव से पिछले 4 वर्षों से जनता की सेवा में किया हूँ। हर सुख दुख में भी पहुँचा हूँ। जो किसी गरीब व्यक्ति ने मेरे को काम बताया मैंने कभी अपना हाथ पीछे नहीं किया है। ये उस भगवान की कृपा है जो उसने मुझे सामर्थ्य दिया है। लेकिन आगे भी आपकी सेवा में ना कोई कमी रहेगी और ये जो दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं कृपा करके इस दुष्प्रचार में ना आए। ना तो इनकी मंशा है। आज मेरी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं। ये ठगों की सरकार महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा, गरीब तबके को ठगा है। आपको बोला गया 1500 रुपया दिए जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल डॉट